इस वक्त देश में जिस तरीके के हालात हैं उसमें अजमेर सेंटर पॉइंट बना हुआ है। हत्या उदयपुर में हुई, तार जुड़ रहे हैं अजमेर से, और अजमेर शरीफ में जो खादिम हैं उनके जो बयान हैं वो लगातार देश में हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको तार तार कर रही है। यही वजह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये मानना है कि अजमेर शरीफ दरगाह में जो भीड़ है वो कम हुई है। हमारे साथ अजमेर के नुमाइंदे हैं, मस्जिद के सामने हैं। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? यूसुफ। यूसुफ साहब, हम देख रहे हैं पत्थरबाजियाँ हो जा रही है जुम्मे की नमाज के बाद, हम देख रहे हैं मंगलवार को सर काट दे रहे हैं लोगों के, और वो भी कह रहे हैं कि हमारी तालीम है ये कि हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर्व मुस्लिम समाज इसका बाइकॉट नहीं कर रहे हैं? मेरी एक बात सुनो आप बच्चों, मैं भी बच्चा हूँ। दरगाह पता नहीं कितने हजार साल पहले बनी हुई है, ब्रह्मा मंदिर पता नहीं कितने हजार साल पहले बना हुआ है, गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। सारे लोग आते हैं, ऐसा भेदभाव यहाँ नहीं है। लोग जो भी हैं गलत माहौल फैलाना चाह रहे हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई बेचारों की। गलत है तो गलत का गलत ही बोलेंगे, और आज सॉरी जिसने भी गलत कराया है उसको सजा मिलेगी, और आज नहीं तो कल मिलेगी। विचार भी गलत है ना तो भी मिलेगी। क्या सब कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, आपत्ति जता रहे थे, शांति प्रिय चल रहा था, माहौल चल रहा था, करना चाहिए। मेरे को आपसे अगर कंप्लेन है मैं आपके खिलाफ़ लिख के दूँ कि मेरे को उससे खतरा है, आपत्ति है। देश संविधान से चलेगा ना, शरीयत तो ना चलेगा। कोई बात नहीं है, अगर आपसे पांच भाई आए कि यार हाथ मिला लो, भाई भाई हो, बात खत्म हो जाती है। हर काम मोहब्बत से भी हो सकता है। भाई भाई के नाम पे तो आप गला काटा जा रहा है ना? नहीं नहीं, तो गलत है ना मेरे भाई, गलत है किसी का गला काटना, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं। उसने अगर अपनी गलती एक्सेप्ट करी नहीं करी आज निकल कर लेता। गलती की क्या उसने, ये भी बड़ी बात है ना, गलती क्या की उसने, एक स्टेटस लगाया, स्टेटस लगाना गलती कब हो सकता है? मेरी बात तो सुनो आप, उसने जो भी भाई ने गलती करी, मैंने ही करी मान लो, तो मुझे मौका देना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ भाई जी आपको, इस देश के अंदर जो उसने काम किया वो गलती ही नहीं है, ऐसी कोई गलत थोड़ा कह देगा यार। मैं अभी मेरे से पूछा आपने, मैंने कहा आ जाओ कर लेंगे बात, करने की क्या दिक्कत है। आज मैं गलत हूँ या कोई भी गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, गलत है तो सजा मिलनी चाहिए। जो भी और एक व्यक्ति जिसने कोई गलती ही नहीं की है उसको किस चीज़ की सजा? गवर्नमेंट सजा देगी उसको, काम को मारा गया था तो वो भी गलत था। आइए आपसे ही बात कर लेते हैं, नाम क्या हुआ भाई जी आपका? नहीं सॉरी मैं नहीं बात, नहीं आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पहली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपके जवाब सवाल का जवाब दे दूं मैं कि पहलू खान को भी गलत मारा गया था, उस टाइम पे भी सब लोग थे, सबने इसका विरोध किया था। धर्म के नाम पे इस देश में हत्याएं होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनेता राज करते हैं, बैठा के आराम से अपने घरों में बैठे बैठे राज करते हैं और आम पब्लिक मारी। दूसरा भाई जी आपके एक सवाल का जवाब दे दूं मैं, पहलू खान को मारा गया इस चीज़ का बदला आप हमसे नहीं लेंगे या कन्हैया लाल से नहीं लेंगे? कहने की बात क्या है कि आप आप एक चीज़ समझिए कि हाँ, एक मिनट कैमरा मोड़िए इनकी तरफ। हाँ हाँ, कौन जेल में बंद है, कौन कौन आप पता करो जाके यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बात नहीं करेंगे, देखिए भाई साहब बात करेंगे बातों से। आप जब उनसे पूछ रहे हो तो आप ये चीज पता करो कि जो लोग जेल में बंद हैं, निर्दोष कितने लोग बंद हैं, क्यों बंद हैं, क्या रीजन है बंद करने का, आपने पता किया? कभी गए आप जेल्स वगैरह में? गए कौन से लोग? अगर एक सर्वे का अगर मैं बात करूँ तो अभी आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है जेल में वो मुस्लिम है, आपने पता किया क्यों बंद है? आप कह रहे हैं आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है, मैं दूसरी बिरादरी से मिलूंगा तो वो कहेगी वो है, मैं तीसरी बिरादरी से मिलूंगा वो बोलेगा वो है। सुनिए कानून तो अपनी रफ्तार से काम करेगा। दोस्त मैं तो बोल ही नहीं रहा ना ये चीज़, मैं तो आपको सिंपल सी एक लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जो लोग बंद हैं जेल में उनके बारे में आप पता करो, क्योंकि जो सर्वे आया है हम तो उसी के आधार पर बोल रहे हैं। जेल में बंद है उसको कानून काम करेगा ना अपना, आप बताओ 140 करोड़ की करीब आबादी हो, आप जो बोल रहे हो वो आप भी तो गलत बोल रहे हो। हमारा काम है कि हम लोगों का पक्ष क्या है, हमारा काम यह है कि लोग क्या सोच रहे हैं ना उसको जनता को दिखाएं। हमारा काम कोर्ट पे टिप्पणी करना नहीं है, हमारा काम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी भी हिंदू की हत्या होगी तो उसको पहलू खान के नाम से, उसको अखलाक के नाम से जस्टिफाई कर दिया जाएगा? हत्या होना चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, हत्या होना गलत है।
इट्स ऑलवेज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले धर्म से पहले इंसानियत आती है। कोई भी मजहब ये इजाज़त नहीं देता कि किसी इंसान को मारा जाए। आप उठा के देख लो, कुरान उठा के देख लो, गीता उठा के देख लो, बाइबल उठा के देख लो, अपना जो सिखों का ग्रंथ है वो उठा के देख लो। आप बता दो कोई मजहब किसी मजहब को बुरा बोल, फिर भी लोग मजहब के नाम पे कत्ल कर रहे हैं। भाई एक बार बताओ, मैं मेरे जब मजहब में लिखा ही नहीं है, आपकी गीता में जब लिखा ही नहीं है, और उस बात को अगर ये बोला जाए कि गीता में ये लिखा है, तो आप कैसे मान लोगे उस चीज़ को? नहीं मान, कैसे मान लूंगा? तो फिर आप उस चीज़ को धर्म का रंग कैसे दे सकते हो? मैं नहीं दे रहा, वहाँ पे जो वीडियो बना रहा है वो व्यक्ति जो कत्ल कर रहा है वो इस चीज़ को कह रहा है। या मेरे दोस्त, जब आपको पता है, इफ़ यू नो कि वो चीज़ नहीं है धर्म में, फिर भी आप उसको मान रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सुनिए, गीता में ये चीज़ नहीं लिखी हुई और कोई गीता को कोट करता है तो मेरे धर्मगुरु आके जो है ना इसको बायकॉट करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा ना ये, तो नहीं हो रहा, तो वो धर्मगुरुओं से बात करो। हम जो जनता है, हमसे क्या बात कर रहे हो आप? जनता अगर दबाव बनाएगी, जनता अगर कहेगी कि उलेमा सामने आओ, जनता से ज़्यादा पावर आपके पास है। और हमारे पास पावर इसलिए है क्योंकि हमारे साथ जनता है। तो असली ताकतवर कौन? असली ताकतवर आप, मीडिया। ताकतवर आप, मीडिया क्या है? मीडिया एक मीडियम है लोगों से लोगों तक बात पहुंचाने का। देखो, मीडिया को आपने गलत बता दिया, मीडिया मीडियम है, मीडियम मीडियम नहीं है, मीडिया इज द पावर। वो पावर कौन देता है हमें? मीडिया के खुद के पास पावर हो गया। नहीं, वो पावर इसलिए है क्योंकि आपके जैसे बोलने वाले लोग हैं और आपके जैसे ही सुनने वाले लोग हैं। आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं भाई जी। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं क्योंकि पिछले 15 दिन से घूम रहा हूँ, मैं 15 दिनों से जब भी कोई व्यक्ति आपके जैसा मिल रहा है ना, तो उसको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि क्या पहलू खान का नाम लेकर कन्हैया लाल की हत्या जो है वो जस्टिफाई हो जाएगी? देखो, पहलू खान अलग चीज़ है और कन्हैया लाल अलग चीज़। आपने आज पहलू खान का जिक्र क्यों किया? मैं आपको क्लियर बता दूं, पहलू खान और कन्हैया लाल सबसे पहले दोनों इंसान थे, बिल्कुल इंसान थे, ठीक है। पहलू खान के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ, और कन्हैया लाल के साथ जो हुआ वो भी बहुत गलत हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों को मजहब का नाम लेके मारा गया, दोनों को ये लेके कहा गया कि हमारे मजहब में ये नहीं है, और हम उसके भाई आप होते कौन हो? मजहब के क्या जिम्मेदार हो? जैसे आपने अगर किसी मजहब का जिम्मा लिया है तो क्या भगवान मर गया या अल्लाह मर गया? मैं अपनी लैंग्वेज के लिए माफ़ी चाहूँगा, सब सुनने वालों से भी बोलना चाहूँगा कि भाई भगवान अपनी रक्षा खुद कर सकता है अपने मजहब की, या अल्लाह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने बचाने वाला है। तुम होते कौन हो? वो आयू अगर गवर्नमेंट है, कानून है, उसके ऊपर जब भरोसा करते हो तो उसको अपना काम करने दो ना। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आप केस करते उसके ऊपर। बिल्कुल सही, हम भी तो यही कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीका है उसका, बिल्कुल जाना चाहिए था। ये क्या जवाब हुई कि फला को ये कर दो वो कर दो? आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? ये तालिबानी सोच है जो कि दूसरे देशों के द्वारा हमारे देश में थोपी जा रही है, और पैसा दे के उस चीज़ को हमारे लोगों में, क्योंकि तालीम नहीं है हमारे। आप उठा के देखो, तबका ऐसा है, गरीब तबका है जो सिर्फ पैसे देखता है, उसके पास तालीम नहीं होने की वजह से उसके अंदर ये चीज़ थोप दी जाती है दूसरे देशों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। यहाँ का तालिबानी सोच जो है वो डाली जा रही है। तो इसके लिए सरकार को काम आगे आना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेंगे कि ऐसे लोगों को पकड़ाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद साहब, हमारी भी बात यही है। देखिए, सरकार तब काम करेगी ना जब सरकार को लोगों का समर्थन मिलेगा। यहाँ पे अंजुमन कमेटी के सचिव हैं सरबत इश्ची साहब, वो PFI की रैली में शामिल होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इतने बड़े नेता हैं, रांची में एक जवान बेटा मर जाता है माँ का, मुदस्सर, और उसकी माँ जो बोलती है कि इस्लाम के नाम पे बच्चे कुर्बान, वो उसका महिमा मंडन करते हैं, तो तालीमियत की बात कहाँ से आएगी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें तालीम चाहिए। देखो, मेरा इस बातों से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो मैं सिंपल सा आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग चुप बैठे हैं, और जब तक हम चुप बैठेंगे ये चीज़ होती रहेगी। किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, मुल्क के लिए, अमन चैन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और उस आवाज़ को ऊपर तक ले जाने वाले आप लोग हैं। बिल्कुल सही बात, नफ़रत को फैलने में सैकड़ों साल लगेंगे, माफ़ कीजिए, तुरंत फैल जाएगी, और मोहब्बत सैकड़ों साल में फैलेगी। जो अमन चैन जो मजहबी एकता यहाँ पे बना के गए थे हमारे बुज़ुर्ग, उसको कायम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले रहते थे उसी चीज़ को वापस लाना पड़ेगा। दूसरे जो देश की जो ताकतें हैं, जो हमारे देश में मजहब में, हमारे देश में नफ़रतें फैला रही हैं, उसके खिलाफ़ एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ तक कि कोई भी लोग हो, जो भी अमन पसंद हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा, आना पड़ेगा आगे,
और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहें ताकि लोगों के आगे सच आता रहे। चलिए एक सवाल का और जवाब चाहिए मेरे को, आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम कौम है उनको उन लोगों का बायकॉट कर देना चाहिए जो लोग देश के अंदर धार्मिक जो अस्थिरता है उसको पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ जहाँ पे भगवा चादर चढ़ती है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वहाँ के दरवाजे पर सर तन से जुदा के नारे लगवाता है? मुस्लिम हमेशा बायकॉट करता है और करता रहेगा और करता रहा है और करता रहेगा इस चीज़ का जो लोग मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं। आज मैं मुस्लिम हूँ और मैं दोस्त आप देखेंगे तो सारे हिंदू हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अलग हो गए, नहीं, हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और रहेंगे, चाहे कितनी भी ताकतें आ जाएं वो हमें अलग नहीं कर पाएंगे। हाँ कुछ लोग हैं जैसे इंद्रधनुष होता है ना, उसमें हर तरह के कलर होते हैं, नीला भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है। मुसलमानों के अंदर कुछ काले कलर का रंग है, वो इंद्रधनुष का ही रंग है लेकिन वो काला है, उस काले रंग से हमें नहीं पहचाना जाए। हम चाहते हैं कि हमें हमारे अलग कलरों से पहचाना जाए, जैसे कि सानिया मिर्ज़ा है, AR रहमान है, आप इरफान पठान को उठा के देख लीजिए, ये हमारे मजहब के दूसरे रंग है, वो इंद्रधनुष हैं, वो हमारे वो भी इंडिया के लिए ही करते हैं ना। बाकी बहुत बढ़िया बात बोली हो भाई साहब, एक चीज़ मैं फिर कहूँगा, कन्हैया लाल की हत्या को कभी भी पहलू खान या अखलाक की हत्या से जस्टिफाई मत कीजिएगा। आपसे बात करने का सिर्फ एकमात्र यही मकसद था क्योंकि अखलाक की हत्या भी गलत हुई है और कन्हैया लाल जी की हत्या भी गलत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की।